तो आज की इस मूवी में एक लड़की होती है जिसके लाइफ में एक ऐसा हादसा हो जाता है जो कि उसके वजह से हुआ था, और वो इस हादसे से अपने आप को सजा देती है, जिसमें उस सभी के साथ गप्पा गप पेलम पूरी करती है। चाहे सामने जो भी मिले, बच्चा, बूढ़ा, जवान, एक, दो, तीन, जितने भी हो, बस उसे गप्पा गप करना है, वो भी बड़े गंदे तरीके से। उसे इतना दर्द उसमें पाना चाहती है कि उसकी सारी पुश्तियाँ उसे याद आ जाए, क्योंकि वो इस गप्पा गप टपाटक को अपनी सजा मानती है। तो उसका इस मुंह में ऐसा क्या हादसा हो जाता है जिससे वो ये सब करवाने लगती, और ये किसके साथ किस तरह से किस पोजिशन में करवाती है, ये सभी बातें आपको इस मूवी में जानने मिलेगी। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले, जो लोग हमारे चैनल पर नए आ ही गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे इस तरह के वीडियो को देख सको। तो फिर चलिए हम मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो मूवी के सीन में पहले हमें दिखाया जाता है कि लूसी, जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर, जो कि एक पार्टी में होती है अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पे उसके दोस्त उसे ज़्यादा दारू पिला देते हैं। तभी जब लूसी अकेली खड़ी होती है तभी एक लड़का आता है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं करती और वो अपने दोस्तों के पास चली जाती और वो कहती अब चलो घर, बहुत देर हो चुकी, लेकिन उसके दोस्त उसे मना कर देते। तभी लूसी अकेली वहाँ से निकल जाती और वो रोड पर जाके लिफ्ट मांगने लगती है। तभी एक कार वाला आता है और उसे घर छोड़ देता है, लेकिन तभी उसके डर लूसी को छत से देख रहे थे कि लूसी कार से आई है, और उन्हें तो मन में ऐसा लगता था कि जरूर ये कार वाला उसका बॉयफ्रेंड होगा। तभी वो देखते हैं कि लूसी शर्ट क्लॉथ को बाहर ही चेंज कर लेती और वो दूसरे बड़े क्लॉथ को पहन कर अपने घर में चले जाती है। तभी उसके डर अंदर की तरफ बैठे होते और वो उस पर चिल्लाते ये क्या है इतनी रात तक, और उसके डर उससे कपड़े निकलवाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लूसी ने शॉर्ट क्लॉथ को अंदर ही पहना हुआ, लेकिन वो जब देखते हैं तो कुछ नहीं होता। तभी वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि जाओ बाहर ही, कहीं इसने क्लॉथ को छिपाया हुआ है। ये देखने के लिए उनकी वाइफ बाहर की चीजों में चेक करने लगे। तभी उनको लूसी के शॉर्ट क्लॉथ मिल जाते हैं, लेकिन वो नहीं बताते लूसी के डैड को। उसके बाद लूसी के डैड उसे सजा देते, वो उसके क्लॉथ को कैंची से थोड़े थोड़े काट देते और वो उसे बाहर खड़ी कर देते, और वो उसे सुबह तक वही खड़े रहने की सजा देते। बाहर लूसी खड़ी होती और उसके डर उसे विंडो से देख रहे थे, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। उसके डर उसे बहुत ही प्यार करते और वो एक पुलिस ऑफिसर है, उसे सजा इसलिए देते ताकि वो अगली बार ऐसा ना करे। उसके बाद सुबह होती है, लूसी और उसके मोम बैठे होते और मोम उसे बात कर रही होती। उसकी मोम को पता है लूसी का कल रात को लेकर मूड ठीक नहीं है, इसलिए वो उन दोनों बेटियों को बाहर घूमने के लिए ले जाती ताकि लूसी का मूड ठीक हो, एक लेक पे जा दे और वो वहाँ पे बहुत ही मजे करते हैं। उसके बाद वो घर वापस जा रहे होते तभी रास्ते में एक बड़ा पत्थर होता है, तो लूसी की मम उसे हटाने के लिए बाहर जाती और वो लूसी को कहती है कि चलो कर आगे आने दो, लेकिन लूसी रेस ज्यादा दे देती और सीधा मम को ठोक देती, इस वजह से मम का सर पत्थर पे पटकता है। ये देख के वो दोनों बहन उन्हें एक हॉस्पिटल में ले जाते और वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आते जो कि लूसी के डैड के दोस्त होते, और उनमें से एक पुलिस वाला लूसी को कहता है कि तुम्हारी मम कोमे में चली गई और बहुत ही कम चांसेस है कि वो ठीक होगी या नहीं। उसके बाद लूसी उसके मोम के पास जाती और वो उनको देख के बहुत ही सेड हो जाती क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था। उसके बाद उसके डैड उसे अपने घर छोड़ने जाते हैं। तभी लूसी कहते हैं कि डैड मुझे प्लीज कोई बड़ी पनिश दो। तभी डैड कहते हैं कि तुम्हें पनिश मैं नहीं दूंगा, तुम्हारी मोम देगी, तब तक तुम्हें वेट करना होगा। उसके बाद वो घर चली जाती और वो अपने घर बाथरूम में चली जाती और वो उसके लॉन्ग पैंट को काट के उसकी शॉर्ट चड्डी बना के घर से निकल जाती है अपने आप को पनिश देने के लिए। उसके बाद लूसी रोड पे खड़ी होती है और वो लिफ्ट मांगती है। तभी वहाँ पे एक कार आती है जिसमें चार लड़के होते हैं, वो लूसी को अपने बीच में बिठा लेते हैं। उसके बाद वो उसे पूछने लगती है कि तुम्हारा नेम क्या है। तभी वो कहती है कि मेरा नाम माया है। थोड़ी देर बाद कार आके जाती है और लूसी उसकी टी शर्ट को डायरेक्ट वहाँ पे उतार देती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लूसी को उसके सामने कितने, उससे उसको कोई मतलब नहीं, बस मुझे यहाँ पे पेल दो, उसका मानना तो यही है, फिर चाहे तुम 4 हो या 10, बस यहाँ पे पनिश के नाम पे पूरा रगड़ दो, मुझे उसका मानना यही है। अब लूसी को इस तरह देख के चारों लड़के दंग हो जाते और उन सभी के चड्डी में पड़ा फूल खेल जाता है। तभी उसके साइड में बैठा लड़का लूसी के बलून पे हाथ घुमाता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और जब वो बलून पे हाथ घुमाता है तभी लूसी उल्टी मतलब की वॉमिट करती है। ये देख के वो लड़के उसे वहीं पे रास्ते पे नीचे धक्का मार के उतार देते हैं। उसके बाद वही सामने एक छोटा रास्ता होता है तो वो वही रास्ते पे चलने लगती है। तभी उसकी छोटी बहन का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम कहाँ पे हो।
तभी लूसी कहती है कि मॉम ठीक होगी, तभी मैं खुद घर वापस आ जाऊंगी। और वो ये कह के कॉल को काट देती है। तभी एक कार वहां पे आती है, ये देख के वो छुप जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके डैड उसको ढूंढने के लिए आए। वो जहां पे छुपती है वहां पे उसका पैर वहीं पे फंस जाता है। वो कार वहीं पे रुकती है, उसमें से एक लड़का आता है और वो लूसी को वहां से छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी लूसी उसे मना कर देती है कि रहने दो कोई बात नहीं। फिर भी वो उसकी हेल्प करता है और वो उसे कहता है कि चलो हमारे साथ अगर कोई हेल्प चाहिए। तो तभी लूसी उसके कार में बैठ जाती और वो एक फार्म पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे लूसी और वो लड़का बैठा होता है और वो लूसी के जूते को सही कर रहा होता है। तभी लूसी कहती है कि क्या मुझे यहाँ पे कोई काम मिलेगा। तभी वो लड़का कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है, तुम यहाँ का कोई भी काम नहीं कर सकती। तभी लूसी लाइटर को जला के ऊपर हाथ रख देती है और वो उसे काम मांगती है ताकि वो कोई काम दे। तभी वो लड़का उसे हाँ कह देता है कि मैं दूंगा काम, ओके। अब वो लड़का उसे वहाँ का सारा काम जो उससे हो पाए वो बताता है कि तुम ये कर सकती हो, ये कर सकते हो। उसके बाद वो हर रोज ये काम करती। लेकिन एक दिन वो लड़का कहीं बाहर चला जाता है और लूसी उस प्रिजन में जाती है जहाँ पे उस लड़के का दोस्त वहाँ पे काम कर रहा होता है। वहाँ पे लूसी उसे कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तभी वो टकलू उसे कहता है कि हाँ जरूर। तभी लूसी उसकी टी शर्ट वहाँ पे उतार देती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और वो उसे कहती है कि मेरे साथ ये सब करो, मतलब कि टपा टप करो, वो भी तड़पा तड़पा के। बस मेरे लिए ये पनिशमेंट है और मैं इसे बहुत गंदी तरीके से पाना चाहते हैं। अगर इस टकलू की जगह आप होते तो आप तो तैयार ही हो जाते हैं। ये सिर्फ मूवी है, ऐसा रियल लाइफ में कोई नहीं कहता। आप इस तरह की ख्वाब मत देखिएगा। तो यहाँ पे लूसी ये हेल्प मांगती है पर वो टकलू उसे मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे दोस्त को पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर भी लूसी उसे चिपकने लगती है। तभी वो उसे धक्का मार के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद लूसी वहाँ पे उस फ्रीजर में बैठ जाती है जिसमें ठंड बहुत ज्यादा होती। तभी वो लड़का आता है और वो उसे वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है पर लूसी नहीं मानती। तो वो लड़का भी उसका शर्ट निकाल के वहीं पे बैठ जाते है। अगर तुम्हें नहीं आना तो ओके, मैं भी यही बैठा रहूंगा, उसे लूसी मान जाती है। उसके बाद वो उसे उसके रूम में ले जाते हैं और वहाँ पे वो लड़का उसे उसकी लाइफ की बातें शेयर करने लगता है। तभी उसी बीच उनमें किस हो जाती है। ये होने से लूसी को अच्छा फील होता है। उसके बाद वो लूसी को वहाँ पे सुला देता है। अब सुबह होती है और लूसी उसका रूम देख रही थी, तभी उसे कुछ ऐसी चीजें दिखती है जिससे इस लड़के का उसके पापा के साथ कोई कनेक्शन। ये देख के वो वहाँ से भाग जाती है ताकि उसके पापा उसे ढूंढ न ले। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि लूसी के डैड बहुत ही वरी में थे लूसी के भाग जाने से, और वो लूसी की छोटी बहन से कहते हैं कि क्या तुम्हारी बात लूसी से हुई है। तभी वो मना कर देते हैं। फिर वो वापस डैड को कहते हैं कि मैंने लूसी से बात की है और वो डैड को ये सब बताती जो उसने कॉल पे बात की थी। उसके बाद लूसी एक जगह पे खड़ी होती है, वहाँ पे एक ट्रक आता है, ये देख के वो लिफ्ट मांगती है। उसके बाद वो उसमें बैठ जाती है। वो आदमी उस कार को बीच में सुनसान जगह पे खड़ा कर देता है और वो वहाँ पे लूसी की तारीफ करता है। लूसी कहते है कि मेरी तारीफ नहीं, मुझे हर्ट करो, मुझे पनिश करो, मुझे पेल दो एकदम गंदे तरीके से, तुम्हारे पिछवाड़े में जितना दम है उतना पेलो मुझे। अब वो उसको किस करने लगता है। तभी लूसी उसके डैड को कॉल करके वहाँ पे उस मोबाइल को रख देती है ताकि वो सुन सके कि मैं ये पनिशमेंट ले रही हूँ। और दूसरी तरफ उसके डैड उसे ढूंढ रहे होते हैं और लूसी यहाँ पे उसकी छोटी स्टोर को बड़ी स्टोर बनाने की तैयारी कर रही है। उसके बाद वो आदमी लूसी के नीचे वाले क्लोथ को उतारता है और वो उसके नुन्नू को लूसी के स्टोर में डाल ही रहा था। तभी लूसी के डैड लूसी का फोन लोकेशन ट्रैक करके वहाँ पे आ जाते हैं और वो आदमी पुलिस कार की सैलेशन को सुन के लूसी को वहीं पे छोड़ के अपना ट्रक लेके भाग जाता है। उसके बाद वो वहाँ पे बहुत रोने लगती है। तभी उसके डर उसे गले लगा लेते हैं और वो उसे कहते हैं सॉरी लूसी, ये सब मेरी वजह से ही कर रही थी, अब मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। अब सीन दिखाया जाता है कि लूसी उसकी मॉम का ख्याल रख रही थी और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।